देश में लोग आस्थावान हैं तो वहीं अंधविश्वासी भी हैं। तभी तो जहां एक तरफ देश के साथ साथ पूरा विश्व का विज्ञान कोरोना की दवा ईजाद करने में जुटा हुआ है, वहीं झारखंड के गढ़वा जिले में महिलाएं छठ व्रत इसलिए कर रही हैं कि ताकि कोरोना भाग सके। और उनका क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है इस छठ व्रत करने का कोरोना के भगाने के साथ साथ, देखिए हमारी बिंदास न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सूप में पूजा सामग्री लेकर नदी में मौजूद ये सारी महिलाएं गढ़वा जिले के मझियाव निवासी छठ व्रती हैं, जिनके द्वारा पूरे नियम के साथ छठ व्रत किया जा रहा है। इनके अनुसार ऐसा करने से वो सभी बीमारी के प्रभाव में नहीं आएंगे और कोरोना भाग जाएगा, ऐसा उनका कहना है। वो पूरे भक्ति भाव के साथ जिस तरह कार्तिक मास में वो छठ व्रत किया करती हैं, सूर्य को अर्घ्य दिया करती हैं और उस वक्त संतान प्राप्ति के साथ साथ दुख जो कष्ट होता है उसे भगाने की कामना करती हैं, लेकिन आज जो है आज इनके मन में मात्र यही कामना है कि किसी तरह ये छठ व्रत मैं जो कर रही हूँ इसलिए कि कोरोना भाग जाए। उधर जहाँ एक तरफ छठ व्रत करने के पीछे कोरोना भगाने का मकसद है तो वहीं दूसरी ओर पूजा सामग्री के साथ महिलाओं द्वारा बैंक का पासबुक और आधार कार्ड भी रखा गया है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताऊं कि जो पीएम द्वारा राशि जो इनके खाते में भेजी जा रही है वो जल्दी से इनके खाते में आ जाए, इसलिए भी उस सूप में पूजा सामग्री के साथ साथ इनके द्वारा बैंक का पासबुक और आधार कार्ड भी रखा गया है। वो खुद बताती हैं इस बात को, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि वो खुद तस्दीक कर रही हैं, उनके द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो छठ व्रत इसलिए कर रही हैं कि जहाँ एक तरफ कोरोना भाग जाए वहीं दूसरी तरफ जो राशि आनी है खाते में वो जल्द से जल्द आ जाए। अब लोगों को संक्रमण से बचाने को लेकर जहां एक ओर प्रशासन को जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर ऐसे अफवाह के कारण उपजे अंधविश्वास से भी खासी परेशानी सामने आन पड़ी है। अधिकारी द्वारा लोगों को बताया और समझाया जा रहा है कि ऐसे भीड़ में जुटने से कोरोना भागेगा नहीं बल्कि और करीब आ जाएगा। मझियाव में कोयल नदी में जहाँ महिलाओं द्वारा छठ व्रत किया जा रहा था वहाँ पर मझियाव अंचलाधिकारी राकेश सहाय पहुँचे और उनके द्वारा पूरी महिलाओं को समझाया गया, उनको बताया गया कि आप ऐसा ना करें, पूरी तरह से अंधविश्वास है, ये कोरा अफवाह है, किसी ने अफवाह फैलाई है, प्रशासन उसे तलाश रही है, उस पर कार्रवाई होगी, आपको बचना है तो आप कम से कम भीड़ में ना जाएं। ये शुरू से बताया जा रहा है कि आप भीड़ में जाने से बचें, आप कहीं बाहर अकारण ना निकलें, लेकिन आप तो इस तरह से अफवाह में पढ़कर अब छठ व्रत कर रही हैं, विज्ञान लगा हुआ है, विज्ञान जुटा हुआ है इस दवा ईजाद करने में, दवा सामने आएगा उसके बाद से लोग बचेंगे और लोग बच भी रहे हैं, लगातार मरीज जो कोरोना के संक्रमित हैं वो ठीक हो रहे हैं, इसलिए आप ये अफवाह से पूरी तरह से बचने की कोशिश करें। अब हम आपको बताएं कि झारखंड के गढ़वा में एक ओर लगातार बढ़ती संक्रमितों की संख्या तो दूसरी ओर इससे बचने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते लोग, उधर लोगों को इसके साथ साथ भीड़ से बचने की सलाह देते और समझाते अधिकारी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस महामारी ने ऐसा कहर ढा दिया है कि लोग आस्था पर विश्वासी होने के बजाय अंधविश्वासी हो गए। मैं अपने खबर के जरिए आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निश्चित रूप से पूरी तरह से कोरी अफवाह है, आप ये अफवाह से बचने की प्रयास करें, आप ऐसा ना करें, छठ व्रत करने से न तो कोरोना भागेगा और न तो बैंक खाते में आपके पैसा आएगा। आपके बैंक खाते में पैसा सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जल्द से जल्द आपके खाते में पैसा आ जाएगा, चाहे आप छठ व्रत करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। सरकार और प्रशासन पूरी दिली शिद्दत के साथ जुटी हुई है, साथ ही साथ आपको पूरी तरह समझा भी रही है कि आप इस तरह के अफवाह से बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहला छठ के लिए ये सुनान सुन कर लेके सब जैसे कर वैसे कर के लिए का सुनने में आया था का सुनने में आया था सुना मैं कि कोरोना के रोग वाला के ओके लबहान हो गया। आधार कार्ड भी लेके आई हैं? हाँ। आधार कार्ड से क्या होगा? आधार कार्ड खाओ पास कहला
सब कुछ देख लेते लेकर आई ले कहे ला आधार कार्ड मतलब कहे ला लेकर आई है तो देख ले हम सब कुछ देख ले आप सब कोई के मतलब देखा देखिए क्या नंबर साफा बोला कहा कि अगर ये है? नाम क्या है करुणा कुमार का छठ कैले हिया कोरोना के भगावेला अच्छा अब का कैले ही पासबुक भी लेके आई हैं हां लेके आई लिया मोदी सरकार पैसा डाल है अच्छा पैसा के लिए छठ की है कि कोरोना भगाने के लिए कोरोना भगावेला अच्छा का गांव घर में हवा अफवाह उड़ा था कि मोदी सरकार पैसा डाल के हां क्या नाम हुआ आपका शकुंतला देवी कहां घर है बीची कल मेराल में ये घटना घटी थी कि किसी ने ये कहा कि आधार कार्ड और बैंक खाता लेकर के पूजा पाठ करने से नदी में नहा के पूजा पाठ करने से उनके खाते में पैसे जाएंगे इस तरह की अफवाहें आज बोदरा के बिच्छी गांव में भी देखने को मिली कुछ लोग यहां पे जमा हैं कुछ महिलाएं जमा हैं हम लोगों ने समझा बुझा के उनको वापस घर भेज दिया है लोग अब जा रहे हैं अपने घर में हम लोगों को इस तरह के अफवाहों से बचना है और इन अफवाहों के पीछे कौन तत्व हैं और कौन से लोग हैं जो इस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं और इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है और हम जल्दी ही उस तरह के लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे सर पिछले दिन भी बोदरा में भी हुआ था छठ पूजा ऐसे ही लोग किए थे नहीं इसकी जानकारी हम लोगों को आज मिली है कि आज तो सर हुई है लेकिन इससे पहले भी हुआ था बोदरा गाँव में नहीं बोदरा गांव में पहले हुआ था लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसकी जानकारी नहीं थी आज इसकी जानकारी मिली है और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना होगी उसके लिए हम लोग पक्का इंतजाम कर रहे हैं और इस तरह के अफवाह फैलाने वाले लोगों को एकदम निश्चित रूप से हम लोग उन तक पहुंचेंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि वो फिर दोबारा इस तरह के अफवाह और अंधविश्वास फैलाने की हिम्मत ना करें।